Hello guys, welcome back to the channel Science Studio and hope you all are doing well. So जो भी चैनल के लिए नए सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर कि आपको वीडियो पसंद आया है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो ज़रूर यार नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. सो आज हम अपने लेक्चर में, वैसे तो हम न्यूमेरिकल्स का पार्ट वन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट वन जिसने भी जाके नहीं देखा है तो प्लीज यार जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. हमने फर्स्ट पार्ट में, मतलब न्यूमेरिकल्स का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स के से किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, किसी सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लगाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उस पर कंसेप्ट क्लैरिटी मैंने थोड़ी देने की कोशिश की है. बट आप लोग ने, अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो, तो फटाफट से जाकर देखें बिकॉज कुछ भी स्किप, जो चीज़ है वो स्किप करने वाली नहीं है. यू नेवर नो पेपर में क्या चीज़ आ जाए. और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मेरे वीडियोज़ के, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड ही होते हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते हो या उनकी प्रैक्टिस करते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. सो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेल्स, देयर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. सो जितना भी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है या फिर उनका ईएमएफ का फॉर्मूला है, हमने जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ा है, तो वो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे. तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है. द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो. वॉट इज द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. सो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है, एक प्लॉट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, किसके किसके बीच में, बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थ्री आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज. तो तीन मेरे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, वो भी सीरीज में जुड़े हुए, तो कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे. ठीक है, कुछ ऐसे जुड़े होंगे वो सेल्स. और तीन आइडेंटिकल सेल्स से मतलब ये है कि अगर इनकी ईएमएफ्स E1, E2 और E3 में सपोज करके चलूं, तो E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू सपोज E आ जाता है, तो आइडेंटिकल सेल्स का तो ये मतलब है. और ग्राफ किसके किसके बीच में दिया है, देयर पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड करंट. ठीक है, करंट के बीच में ग्राफ दिया है. व्हाट इज द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. अब मुझे बताना क्या है, बेसिकली E1, E2 और E3 की वैल्यू निकालनी है. E1 इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है, वैल्यू निकालनी है. और इंटरनल रेजिस्टेंस माने आर, हर एक सेल का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सपोज इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो मुझे हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. तो गाइस मुझे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखो यार, यहां पर मतलब y एक्सिस पर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और x एक्सिस पे मेरे पास करंट की वैल्यू है. तो फॉर अ सीरीज ऑफ सेल्स, मतलब कि फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मेरे पास यहां पे तीन सेल्स हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब PD और E में बेसिकली डिफरेंस कैसे करते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, अभी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, पहले तो उधर नजर जाएगी. देखो यार, मैक्सिमम वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज गिवन टू अस 6 वोल्ट्स. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं करंट की देखूं तो वो है 1 एम्पियर. ठीक है, और तो मुझे कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मतलब मुझे इसी चीज को यूज करते हुए ई की वैल्यू भी निकालनी है और आर की वैल्यू भी निकालनी है. तो अब इसको यूज कैसे किया जाए, तो पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ई में डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो ई होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इस बात से सभी आई गेस एग्री करने चाहिए अभी तक, तो बिकॉज हम पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं इसके ऊपर. तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें कोई डाउट है, तो प्लीज यार वीडियोस को जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं, यूनिट वाइज मैंने वीडियोस को डाला है. तो ई और पीडी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ई क्या होता है किसी सेल का, ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो यार, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, 6 वोल्ट्स. पर
इस पूरे सर्किट या फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू इज 6 वोल्ट्स। पूरे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब कि अगर मैंने इन सीरीज में लगाया है सबको, तो सीरीज में पहली बात तो आपको फॉर्मूला, अच्छी बात अगर पता हो तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सीरीज में हमारा जो इंटरनल जो हमारा EMF ऑफ बैटरी है वो सीधा ऐड हो जाता है, तो वो वैल्यू जो है मेरे पास 6 वोल्ट दी है। ठीक है ये बात। अब सिंस ये सेल्स जो है आइडेंटिकल है, मतलब इनकी वैल्यू सेम है, तो मैं इसको 3 टाइम्स ई सपोज कर लूं। अगर किसी भी एक EMF को मैं ई सपोज कर लेती हूं तो 3 टाइम्स ई इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट एंड ई कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो अभी हमने बिना किसी फॉर्मूले, कुछ मेजर फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बस एक ही कंसेप्ट को यूज किया है कि सीरीज के अंदर जो हमारे पास EMFs ऑफ द सेल है वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो गाइज ये मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों को कंसेप्ट कराया था, सो आई होप सबको याद होगा। सीरीज में ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, तो कुछ छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने ई मतलब हर एक सेल का EMF निकाल लिया। मुझे क्या निकालना है, आर, बेसिकली आर क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सोचते हैं और क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, कोई ऐसी चीज है क्या जो आई को वी को और ई को कनेक्ट करती हो। तो यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आई और वी और ई को कनेक्ट करता है, पर उससे भी पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू यूज करके हमने ई की वैल्यू निकाल ली, तो क्या हम आई के मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 एम्पियर को यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। सो देखते हैं, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज फॉर्मूला एक ही बचा है मेरे पास। अगर मैं 1 एम्पियर का केस कंसीडर करूं, बेसिकली जब आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर है तो मेरे पास वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट्स, बिकॉज एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, तो वाई पे मतलब कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 वोल्ट्स है। और मैं इस इक्वेशन में पुट कर दे रही हूं 0 इज इक्वल्स टू, मैंने पूरे कॉम्बिनेशन के लिए आप चाहो तो रख सकते हो ये वैल्यू, और कॉम्बिनेशन के लिए नहीं रखना तो आप इंडिविजुअल सेल्स के लिए भी ये वैल्यू रख सकते हो। तो ई मतलब पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जो ई आया था मेरे पास वो आया था 6 वोल्ट्स, ठीक है, वो 6 वोल्ट्स है। तो 6 वोल्ट्स माइनस आई की वैल्यू क्या है, 1 इंटू में आर जो कि अननोन है, तो बेसिकली आर की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर 6 हो गई तो बेसिकली मेरे पास ये कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आया है, और कॉम्बिनेशन से अगर मुझे सीरीज में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद हो रेजिस्टेंस का, तो वो भी सिंपल एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 और R2 और R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईच 2 ओम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होना है। तो गाइस फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर शोन एन एमीटर एंड अ रेजिस्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स बैटरी इज, जिसका सोर्स EMF जो है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ बैटरी का 2 ओम है, कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर रीडिंग्स। तो मेरे पास सर्किट में एक एमीटर कनेक्टेड है और एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है ये बात। अब देखो, एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड रेजिस्टर भी लगाया है जिसका रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है। इस बैटरी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस के को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। मुझे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है पहले, तो जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो। ई की वैल्यू 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है ये बात। बैटरी का EMF, आर की वैल्यू मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 2 ओम, जो कैपिटल आर है वो 4 ओम है, और आई और वी की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज इसमें कोई लंबी चौड़ी अप्रोच नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, ई इक्वल्स टू वी माइनस या वी प्लस आई आर, सॉरी वी प्लस आई आर। सो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज आप इस पूरे सर्किट में से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, एम मीटर में मतलब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू वैसे भी देखी जाए तो करंट क्या होता है, वी बाय आर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वी तो नहीं है, बट इस बैटरी का मेरे पास EMF है, तो E अपॉन में R, R क्या होता है, बेसिकली नेट होता है, R नेट। तो R नेट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, तो नेट कैसे निकालेंगे, सीरीज में नेट कैसे निकलता है, R प्लस R। तो कुछ भी नहीं किया है, R प्लस R नीचे डाल दिए, E अपॉन R प्लस R की वैल्यू पुट कर दो यार, E की वैल्यू इज 12, R प्लस R मतलब 2 प्लस में 4 6, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। अब मुझे क्या करना है, V की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू अक्रॉस दिस बैटरी। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर, ठीक है। अब तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, 12 माइनस में I की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2 इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इज ऑल्सो 2,
तो 12 माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 8। सो गाइज, आप एक और चीज़ देख सकते हो जो कि मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस की थी, आई होप सबको याद होगी, कि मैंने एक सेल के अक्रॉस अगर एक वोल्ट मीटर लगाया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए, तो एक्चुअल में जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट्स, और जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर करने पे, वोल्ट मीटर से मेजर करने पे आया, वो है 8 वोल्ट्स। तो देख रहे हो आप, 4 वोल्ट का फर्क है। 4 वोल्ट का फर्क क्यों है? बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हो जाता है? अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही बात होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट क्यों नहीं मेजर कर पाते हम वोल्ट मीटर से, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप है बेसिकली वो IR के अक्रॉस चला जाता है, तो जो EMF है, तभी हम कहते हैं कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन V इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, 3 सेल्स ऑफ EMF E, 2E एंड 5E having internal resistance R, 2R and 3R respectively are connected across a variable resistor capital R as shown in the figure. Find the expression for the current. Plot a graph for variation of current with respect to capital R. So guys, किसी को question समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है एक बार में, but पेपर में एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज कहीं का बार कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है सेफ्टी साइड, 2 बार तो पढ़ना मस्त है। 3 सेल्स हैं हमारे पास ऑफ EMF E, 2E एंड 5E, तो देख सकते हैं फिगर में, देखो 3 सेल्स हैं जिनका EMF भी गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। पहला का R है, सेकेंड का इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2R, ठीक है, और थर्ड वाले का है 3R। तो मुझे करना क्या है, एक इस सर्किट को एक वेरिएबल रेजिस्टर या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस R से जोड़ा हुआ है, वो हमें फिगर में गिवन है। मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे सर्किट में से करंट की वैल्यू निकालनी है, और फिर बाद में क्या करना है, ग्राफ बनाना है, प्लॉट अ ग्राफ विद द वेरिएशन ऑफ करंट, मतलब I कैसे वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक है। तो मुझे ये ग्राफ भी बनाना है। तो हम I कैसे निकाल सकते हैं इस सर्किट के अंदर, किसी को कुछ आइडिया हो? अगर आइडिया है तो प्लीज़ यार अपनी कॉपी पेंसिल या पेन साथ में लेके बैठा करें और उसको साथ साथ सॉल्व करें, बिकॉज इससे आपको अपना पोटेंशियल भी पता चलेगा कि आप बिना सॉल्यूशन देखे कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अप्रोच इज़ अ वेरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, हाई लेवल थिंग होती है, जो कि एग्जाम में हमें सबसे पहली अप्रोच अगर सही तरीके से पकड़ लिया ना कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर एंड तक तो आप पहुंच ही जाओगे। इन केस अगर आप एंड तक नहीं भी पहुंचते तो मुश्किल से आपका हाफ या फिर 1 मार्क डिडक्ट कर लेते हैं, बट एफर्ट्स के पूरे नंबर होते हैं। पर अप्रोच जो है, आइडिया जो है, सही तरीके, सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो, आई निकालना है किसी भी सर्किट में से, आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सर्किट में से वी या फिर ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना पूरे सर्किट के अक्रॉस कितना है, और फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अगर वी की वैल्यू आ जाएगी या फिर ई की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं आई की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, ई बाय ई नेट जो भी होगा अपॉन में आर नेट जो भी होगा। तो मुझे करना क्या है, बस ई नेट निकालना है और आर नेट निकालना है, बस यही एक मुश्किल है। कहने का मतलब है कि ई नेट कैसे निकालना है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है इस क्वेश्चन में, बिकॉज जो सेल्स दिए हुए हैं वो सीरीज में नहीं दिए हुए, प्रॉपर सीरीज में नहीं दिए हुए हैं, बिकॉज एंड टू एंड कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एंड टू एंड में नेगेटिव टर्मिनल, मैंने पहले भी बात की थी, अगर सेम टर्मिनल्स आप इसमें कनेक्टेड हैं तो फिर उसको सॉल्व किया कैसे जाता है। तो आपको मैं फिर से एक बार मैं बता देती हूँ इस वीडियो में, अगर मेरे पास कोई भी बैटरी को उल्टा लगाया हुआ है, वैसे जनरली हमारी बैटरी जो सीरीज में कनेक्टेड होती है वो होती कैसे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेक्स्ट बैटरी का पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेक्स्ट बैटरी का साथ में पॉजिटिव, मतलब बेसिकली अपोजिट टर्मिनल्स जब जुड़े होते हैं एंड टू एंड, तो हम उसको सीरीज कहते हैं। बट यहाँ काम उल्टा है, ये बैटरी उल्टी लगी है, ठीक है, इस बैटरी को सीधा कैसे करें, अगर इसकी उल्टी बैटरी का EMF इज 2E, तो अगर मैं इसका पॉजिटिव को इधर की साइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका पॉजिटिव कुछ ऐसे कर दूं घुमा के, तो मेरे पास ये 2E की जगह -2E बन जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस आपको अपोजिट कर देना है विद अ नेगेटिव साइन। तो जब भी हम नेट निकालने की बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास
दो बैटरीज लगी होती है अगर सीरीज में भी नहीं बट नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते, तो हम क्या कहते थे, जो नेट ईएमएफ होता है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता है ई1 और ई2 का। सब्ट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ये ई2 जो है वो सब्ट्रैक्ट ही हो जाता है, ई2 की वैल्यू ई2 ना रह के माइनस ई2 हो जाती है। तो बस आपको यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे, जब आप नेट ई की वैल्यू निकालोगे तो वो होगी ई माइनस 2e प्लस 5e, ठीक है ये बात। तो ये 6e माइनस 2e बिकम्स 4e, ठीक है ये बात। उसके बाद क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर तीनों जो सेल्स हैं वो सीरीज में लगे तो नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, पहली बात तो इन सबका एडिशन होगा। तो आर नेट की बात करूं अगर मैं, तो वो होगा आर प्लस 2r प्लस 3r, दैट बिकम 6r। पर अभी ये टोटल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आई, बिकॉज एक वेरिएबल रेजिस्टर भी तो लगा है, और वो कैसे लगा है, वो भी सीरीज में लगा है, तो प्लस में आर, ठीक है ये बात। अब मुझे करना क्या था, आई की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल। आई को लिखो ई बाय ई नेट अपॉन आर नेट, ठीक है, और ई नेट की वैल्यू निकाल ही चुके हो, 4e अपॉन में 6r प्लस r, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी आई की थ्रू द सर्किट। और बचा अब ग्राफ की वैल्यू, और ये पार्ट भूल नहीं जाना, तो पार्ट जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो अगर पार्ट्स में नहीं गिवन है तो प्लीज पार्ट्स को मेंशन कर लिया करो साथ में, बिकॉज पेपर में ये तो बिल्कुल ब्लंडर होता ही होता है कि क्वेश्चन एक बार में पढ़ा, जो पहला दिख रहा है वो करके बस हो गया क्वेश्चन, तो चलते हैं। और ऐसा भी होता है कई कबार कि पहला पार्ट अगर सपोज करो नहीं आ रहा है आपको, ई टू ई वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो हम इसको बाद में देखेंगे, लास्ट में करते करते इसी को ट्राई करते रह जाते हैं, जो चीज हो सकती है दूसरा पार्ट उसको भी छोड़ जाएंगे। बट क्वेश्चन में अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जो चीज आती है वो तो कर ही सकते हैं, तो उसको नहीं छोड़ना। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, करंट की वेरिएशन दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर मैं किसी भी सर्किट के अंदर, इन जनरल की बात करते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है, फ्लो टू करंट, ठीक है, फ्लो टू या फिर ओपोजिशन टू करंट। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना ये बात। तो ऑब्वियसली बात है, जब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो मेरे पास करंट की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू को कम करती जाऊंगी, बेसिकली मैं लेफ्ट साइड जा रही हूँ तो आर की वैल्यू कम हो रही है, तो आर की वैल्यू कम तो आई की वैल्यू ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, अगर सर्किट का जो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू कम है तो करंट जो है सर्किट में से ज्यादा फ्लो करेगा, बिकॉज ओपोजिशन कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। आई होप ये सबको समझ में आया है। तो गाइज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वी आई ग्राफ्स फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटेलिक रेजिस्टर्स आर शोन बिलो। तो मेरे पास दो सीरीज या फिर और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वी और आई में ग्राफ दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है या मुझे क्या बताना है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास कुछ दो सर्किट होंगे बेसिकली, जिनमें कुछ रेजिस्टेंसेस एक में पैरेलल में लगी होंगी, ठीक है, और एक में सीरीज में लगी होंगी। तो मुझे उन दोनों सर्किट्स के लिए बेसिकली वी और आई का प्लॉट दे रखा है, ठीक है, कुछ ऐसे है ए और बी की फॉर्म में। मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, मतलब ए और बी में से देख के बताना है कौन सी लाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट कर रही है। तो गाइस सिंपल सा काम है, वी बाय आई का रेशो हम सदा बाहर के लिए फेमस है, वी बाय आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, वी बाय आई इक्वल्स टू आर या फिर आर नेट भी कह सकते हो। किसी भी सर्किट में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर लगा है तो उसमें जो आर है वो आर नेट के बराबर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि आर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है और आर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी सर्किट में अगर कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए तो वी डू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, तो जो नेट रेजिस्टेंस है बेसिकली एडिशन हो जाता है, कुछ प्लस में मिलता है, कुछ हमें ऐड करके मिलता है, और जो हमारे पास नेट वैल्यू आती है वो कुछ ज्यादा आती है इनिशियल वैल्यू से, क्योंकि आर वन में आर टू या फिर आर टू में आर वन ऐड होके आता है। लेकिन आर पी में होता क्या है, वन अपॉन आर पी निकालते हैं हम, बेसिकली जब हम आर पी का सम करते हैं तो हम रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है आर पी का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोडक्ट अपॉन में सम, ठीक है। तो बेसिकली जब हम रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं आर पी को निकालने के लिए तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जो नेट रेजिस्टेंस है ऑफ दिस सर्किट वो कम हो जाता है। तो जिसका भी वी बाय आई इक्वल्स टू आर है, इतनी बात पता है, तो जिसका भी आर कम होगा, आर मतलब स्लोप जिसकी कम होगी, वी बाय आई स्लोप को भी डिनोट कर रहा है, तो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा वन है ये थीटा टू है। तो देखो यार ए लाइन जो है थीटा वन उसके लिए छोटा है, ठीक है, और छोटा है इट मीन्स
उसका स्लोप कम है, स्लोप कम है इट मींस उसका रेजिस्टेंस कम है नेट, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कम है, इट मींस ए वाली लाइन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट कर रही है। तो होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन थे, कोई 2013 का, कोई 2017 का, दे आर वेरी प्रीशियस क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। तो यार जिसको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर द न्यू व्यूअर्स हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आप अपने इंडिविजुअल डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यार लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जो भी इस चैनल के हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। और जिन लोगों को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस में इंटरेस्ट है, मैं बार बार कहती रहती हूँ, जिनको भी ऐसा है कि रिसर्च फील्ड में जाना है बड़े होकर, या ऐसा कुछ ड्रीम रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में जाना है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो कुछ भी इंटरेस्ट है ऐसा, तो जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल को जाकर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालती हूँ और इस बार भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।